गाइज फिलहाल तो अपने इंडिया सर्वर के अंदर ये ओमनी रेप्टाइल टॉप अप इवेंट चल रहा है, जिसमें आपको 100 डायमंड के टॉप अप पे एक पेन की स्किन और 200 डायमंड के टॉप अप पे एक ओपी से बैकपैक की स्किन दी जा रही है। तो ये वाला जो टॉप अप इवेंट है गाइज अपने इंडिया सर्वर के अंदर से 26 जून को एक्सपायर हो जाएगा और 27 जून को गाइज अपने इंडिया सर्वर के अंदर एक ओपी सा नया स्पेशल टॉप अप इवेंट आने वाला है। तो यार बहुत बंदे जाना चाहते हैं वो नया टॉप अप इवेंट क्या होगा, उसके अंदर कितने डायमंड टॉप करने पर हमें क्या आइटम मिलेगा। तो टेंशन मत लो गाइज, इस वीडियो के अंदर आपको नेक्स्ट टॉप अप इवेंट 100% कंफर्मेशन के साथ बताने वाला हूँ। एंड इसी के साथ में गाइज आपके प्रीवियस वीडियो पे काफी सारे कमेंट्स आए थे कुछ टॉपिक्स को लेके कि ड्रैको M10 कब रिटर्न आएगा, रैम्पेज़ EVO बंडल कब आएगा, समुराई बंडल वगैरह कब रिटर्न आने वाले हैं एंड और भी काफी सारे कमेंट्स तरह तरह के। तो भाई उन सबका आज इस वीडियो के अंदर रिप्लाई करूंगा एंड काफी बंदों को सूट आउट मिलने वाला है। और हाँ, आपके मन में जो भी कोई डाउट है तो भाई बेझिझक कमेंट कर दो, सबका रिप्लाई मिलने वाला है और अगर पॉसिबल हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में भी उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप में से कुछ भाइयों के मेन इंपोर्टेंट कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ। एंड देखो भाई सभी के कमेंट्स का रिप्लाई इस वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन सभी का रिप्लाई मैंने कमेंट सेक्शन में कर दिया, तो जाके चेकआउट कर लेना। तो भाई यहाँ पे जो सबसे पहला कमेंट निकल के आ रहा है वो है सकलेन गेमिंग की तरफ से, ब्रो रैम्पेज EVO बंडल रिटर्न कब आएगा। तो भाई देखो रैम्पेज EVO बंडल के रिगार्डिंग अभी कोई लीक्स नहीं है, ना ही उसकी कोई हाइप है, ना ही कोई डिमांड है, तो अभी वो रिटर्न नहीं आने वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट कमेंट निकल के आ रहेगा वो है नरेंद्र घाटी की तरफ से, ये भाई कह रहे हैं कि रेड एंजेलिक कब रिटर्न आएगा। तो भाई देखो रेड एंजेलिक का सीन कुछ ऐसा है कि ये रिटर्न आ भी सकता है और नहीं भी, क्यों, क्योंकि गाइज यहाँ पे ग्रीन एंजेलिक आइटम्स आ रहे हैं, तो हो सकता है गरना वाले ग्रीन एंजेलिक आइटम को लाने से पहले रेड एंजेलिक को रिटर्न डाल दें या नहीं डालें। देखो रेड एंजेलिक को ही नहीं डालेंगे, ओल्ड एंजेलिक आइटम्स को डाल सकते हैं, उनमें रेड है, वाइट, ब्लू सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो चांसेस कम है रिटर्न आने के, लेकिन गरना वालों को कुछ नहीं पता। एंड सी के साथ में गाइज यहाँ पे जो नेक्स्ट कमेंट आ रहा है अर्जुन चक्रवर्ती का आ रहा है, जिसमें लिखा हुआ है ज़ॉम्बी समुराई कब तक रिटर्न आ जाएगा। तो भाई देखो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप जाके चेकआउट कर लेना, शायद परसों ही बनाई थी, मतलब एक वीडियो छोड़ के पिछली वीडियो देख लेना, ज़ॉम्बी समुराई बंडल के ऊपर शायद से वो, तो उसमें मैंने बता दिया क्या सीन रहेगा एंड कब तक रिटर्न आ जाएगा और किस टाइप के इवेंट में आएगा, ठीक है ना। तो भाई वीडियो बनाई हुई है मैंने, बहुत बंदे क्या करते हैं कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और कमेंट करने लग जाते हैं। तो भाई यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट निकल के आ रहा है KGF राय की तरफ से, जो कह रहे हैं कि अरे भाई ड्रैको M10 कब आएगी बताओ प्लीज़ भाई। तो भाई देखो ड्रैको M10 के रिटर्न आने के लीक्स काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रही है एंड उसकी डिमांड भी यार काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है उसके लिए बताया जा रहा है कि जब अपनी न्यू वाली EVO MB42.2 आएगी ना, तो उसके आने से कुछ दिन पहले हमें ड्रैको M10 रिटर्न देखने को मिलेगा अपने इंडिया सर्वर के अंदर, जो कि फेरेड व्हील इवेंट में ही आएगी। और जल्दी ही मैं ड्रैको M10 रिटर्न के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, तो भाई उसको देख लेना। और गाइस यहाँ पे लास्ट कमेंट निकल के आ रही है एक भाई के ऊपर से, उसका नाम तो यार यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यूज़र वगैरह करके लिखा हुआ है, जो कि कह रहे हैं भाई वन पंच मैन गन स्किन कब आएगा। तो भाई देखो वन पंच मैन M87 का सीन कुछ ऐसा है, वो एक कोलैबोरेशन का आइटम है और वो हमें तभी रिटर्न देखने को मिलेगा जब उस ब्रांड के साथ वन पंच मैन के साथ फ्री फायर का फिर से रिकॉलेबेशन होगा। जैसे याद होगा आपको मनी हाइस्ट के साथ जो आइटम्स आए थे कॉलेबेशन पे, वो तभी आए जब मनी हाइस्ट के साथ आए फिर दोबारा से रिकॉलेबेशन हुआ, समझ रहे ना मेरी बात को। तो वन पंच मैन M87 या वन पंच मैन को जो भी आइटम्स है गाइस, वो हमें तभी रिटर्न देखने को मिलेंगे जब यहाँ पे वन पंच मैन के साथ फ्री फायर का दोबारा से कॉलेबेशन होता है। अभी उसकी कोई डेट वगैरह नहीं है भाई, कब होगा जब भी होगा आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो भाई ये कुछ मेन मेन इंपॉर्टेंट सी कमेंट थी जो कि ज़्यादा बंदों के कमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, तो मैं उनका रिप्लाई कर दिया है। बाकी जिन बंदों के कमेंट को मैंने पिक नहीं किया है वो भाई नाराज मत होना, आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना, हो सकता है आपको नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई कर दूं। वरना गाइस जिनका इजी सा कमेंट होता है, जिनका मैं रिप्लाई कर सकता हूं, उनको मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं, तो आप रिप्लाई कर देना, ठीक है। और चलिए गाइस अब अपने कुछ अपडेट्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस अब बहुत ही जल्द अपने इंडिया सर्वर के अंदर ग्रीन एंजेलिक आइटम्स आने वाले हैं, क्योंकि आप फ्री फायर के बहुत से सर्वर के अंदर ग्रीन एंजेलिक आइटम्स आ चुके हैं, कहीं पर रिंग इवेंट के अंदर, कहीं पर टोकन टावर इवेंट के अंदर, तो अपने इंडिया सर्वर के अंदर भी यार हमें जल्दी से ही देखने को मिलेंगे। एंड मे भी हो सकता है जून के एंड में या फिर जुलाई महीने के फर्स्ट वीक के अंदर हमें देखने को मिल जाए ग्रीन एंजेलिक आइटम्स, और ये आएंगे जहां तक रिंग इवेंट के अंदर ही अपने इंडिया सर्वर के अंदर, तो या फिर टोकन टावर इवेंट के अंदर भी डाले जा सकते हैं। अब पता नहीं गाइस ये गरना वाले अपने इंडिया सर्वर के अंदर इनको किस डेट में डालेंगे, लेकिन गाइस मैंने आपको ग्रीन एंजेलिक आइटम दिखा दिए हैं, देखने में तो बढ़िया लग रहे हैं, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताइएगा और आप इन्हें निकालोगे या नहीं ये भी बताइए। तो चले गाइस अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉप अप इवेंट के बारे में, जो कि 27 जून को अपने इंडिया सर्वर के अंदर आ जाएगा। तो भाई देखो यहां पे भी प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है, जो अपना नेक्स्ट टॉप अप इवेंट होगा उसके अंदर हमें एक ओपी सा इमोट देखने को मिलेगा, और ये इमोट देख के ना गाइस आप भी हैरान हो जाओगे। तो ये इमोट देख सकते हो गाइस, इसका नाम है बर्थ ऑफ जस्टिस और ये अपने एंजेलिक का इमोट होने वाला है, एंड काफी बढ़िया लगा गाइस मुझे, तो मैं क्या ही बोलूं यार इस इमोट के बारे में। एंड प्रेडिक्शन इसके लगाए जा रहे हैं इस वजह से क्योंकि गाइस ये फ्री फायर के बहुत से सर्वर के अंदर टॉप अप इवेंट में आ रहा है, तो हाई चांसेस है गाइस अपने इंडिया सर्वर के अंदर हमें नेक्स्ट टॉप इवेंट के अंदर इमोट देखने को मिल सकता है। और मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूं, इसका भी एक रीजन है। देखो भाई अपने इंडिया सर्वर के अंदर फिलहाल जो टॉप इवेंट आ रहे हैं ना, वो सब यार वही टॉप इवेंट आ रहे हैं जो अदर सर्वर के अंदर चल रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक शूज वाला हो गया एंड ये ओमनी रेप्टाइल वाला टॉप इवेंट हो गया, तो ये सब गाइस पहले अदर सर्वर में
आ चुके हैं। तो अपने इंडिया सर्वर के अंदर गाइस ये इमोट वाला टॉपअप एंड जरूर से आएगा, लेकिन कितने डायमंड के टॉपअप में ये इमोट होगा ये अभी कंफर्म नहीं है, और इसके साथ में और क्या क्या आइटम्स होंगे ये भी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये इमोट गाइस कंफर्म बताया जा रहा है। लेकिन अभी इसको 100% कंफर्म ही मत समझना, अभी 5 दिन का टाइम है गाइस, तो हो सकता है गराना वाले यहाँ पे इसको चेंज भी कर दें या कोई और आइटम यहाँ पे रख दिया जाए, ठीक है। तो जैसे भी कोई और लीक्स निकल के आएगी वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में शेयर कर दूंगा, लेकिन बताइएगा गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में आपको ये बर्थ ऑफ जस्टिस वाला एंजेलिक इमोट कैसा लगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो के अंदर इतना ही, तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।